तो केमिस्ट्री आईटी जे एडवांस पेपर टू डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. द स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रेफाइट एंड सी डायमंड 298 केल्विन में डेल जी नॉट दिया हुआ है. स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स दैट ये तो सब कंडीशन लिखी हुई है आपको. फिर बोल रहा है द कन्वर्जन ऑफ सी ग्रेफाइट टू डायमंड, यानी कि सी ग्रेफाइट से सी डायमंड इसकी बात करना है. सी ग्रेफाइट से सी डायमंड कह रहा है कि जब कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, यानी कि डेल वी का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब. ओके, सी ग्रेफाइट कन्वर्ट आइसोथर्मली, ठीक है. कह रहा द प्रेशर एट विच सी ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद सी डायमंड. तो अपने को ये फॉर्मूला पता होता है कि भाई डेल जी टू माइनस डेल जी वन का वैल्यू होता है P2 माइनस P1 डेल वी. तो यहां से जो डेल जी टू है, बात जरा समझी जाए, डेल जी टू माइनस डेल जी वन का वैल्यू देखिए P2 माइनस P1, P1 तो अपने को 180 दिया ही था, डेल वी अपने को दिया है 2 × 10⁻⁶, बात जरा समझे. एंड ये बात समझी जाए कि अपने को जो डेल जी टू है, तो डेल जी टू नॉट बेसिकली क्या है कि देखो डेल जी टू नॉट का वैल्यू हो जाएगा डेल जी नॉट ऑफ सी डायमंड माइनस डेल जी नॉट ऑफ सी ग्रेफाइट. तो बात जरा समझो, डेल जी डायमंड का वैल्यू, डेल जी डायमंड का वैल्यू 2.9 किलो जूल है, तो 2.9 × 10³ जूल माइनस जीरो. तो जब ये आप देखो कि डेल जी ग्रेफाइट तो जीरो दिया, तो डेल जी टू आ गया, और बिगिनिंग में डेल जी वन क्या है, जीरो. तो डेल जी वन का वैल्यू जीरो, इसका मतलब हुआ कि 2.9 × 10³ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू P2 - 1. तो यहां से P2 का वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 14501 bar, क्योंकि पहले पास्कल में आएगा, फिर अपन उसको क्या करेंगे 10⁵ से डिवाइड कर देंगे, तो P2 का वैल्यू ये आ जाएगा. इससे आंसर हो जाएगा अपना सी. क्वेश्चन नंबर 21. एक आपको सेल दिया है जिंक सॉलिड से ZnSO4 CuSO4 से Cu सॉलिड. इसका मतलब रिएक्शन जो हो गई जिंक सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड. बात जरा समझी जाए, इसका अपने को पूछा है डेल जी. तो अगर अपन बात समझें और गिवन है कि Zn प्लस 2 का जो कंसंट्रेशन है वो 10 times Cu प्लस 2 कंसंट्रेशन के बराबर है, तो अगर अपन बात करें कि E is equal to next equation E naught माइनस 2.303 RT by NF log Q, तो E का वैल्यू E naught दिया 1.1 वोल्ट माइनस 2.303 RT by 2F log Zn plus 2 by Cu plus 2, और Zn plus 2 का वैल्यू दिया 10 times Cu plus 2, तो यहां से E का वैल्यू आ जाएगा 1.1 माइनस 2.303 RT by 2F. दिस इज E सेल. अपने को पूछा है डेल जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन ई सेल एफ, दिस इज इक्वल टू माइनस टू 1.1 माइनस 2.303 RT बाई 2F. तो यहां से वैल्यू आ जाएगा माइनस 2.2F माइनस 2.303 RT. चेक करें तो इसके हिसाब से आंसर हो गया ए, आंसर विल बी ए.
द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बात जरा समझी जाए, पहला ऑप्शन है CH3 डबल बॉन्ड NH NH2, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2। देखिए, अगर इसमें अपने को बेसिसिटी कंपेयर करनी है तो यहां एन का लोन पेयर रेजोनेंस में, यहां भी एन का लोन पेयर रेजोनेंस में, ऐसे इस एन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई सबसे ज्यादा, तो बेसिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा तो फोर्थ होगा। सबसे ज्यादा क्या हुआ, फोर्थ। फोर्थ के बाद अगर अपन बात करें फर्स्ट, फर्स्ट क्यों होगा, क्योंकि यहां से एन का लोन पेयर रेजोनेंस में और CH3 का प्लस आई इफेक्ट, तो यहां एन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ रही है, तो फोर्थ के बाद फर्स्ट आया। एंड फर्स्ट के बाद आप चेक करेंगे कि यहां पे जो ये नाइट्रोजन है, ये देखिए ये रेजोनेंस में है, तो ये नाइट्रोजन रेजोनेंस के कारण इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण सेकेंड हो जाएगा एंड फिर आपका लास्ट में हो जाएगा थर्ड। तो आंसर विल बी डी। लिक्विड सॉल्यूशन प्योर वाटर फेजेस 273, तो यानी प्योर वाटर का फेजिंग पॉइंट दिया है। The addition of 34.5 gram ethanol, 500 gram of water changes the freezing point. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम। अगर इसको देखें तो 2 W by capital M W into 1000। यहां से डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ जाएगा 2 into 34.5 into 1000 by 46 into 500। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ जाएगा 3। यानी अगर अपन बात करेंगे पहले कितना था 273, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये आ जाएगा 273 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 270 केल्विन। बात जरा समझे, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नया क्या हो गया 273। तो अगर अपन बात करें कि भाई ये है, देखिए ये ग्राफ दिया है, यहां पे अपन देख रहे हैं कि यहां पे 270 हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर का, वाटर का पेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का पेपर प्रेशर दोनों बढ़ रहा है। एक ग्राफ और आप देखोगे कि जो अपना ग्राफ है सी, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि यार वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है सी में भी, लेकिन गड़बड़ क्या है, यहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोला 271, जबकि होना कितना चाहिए 270। इसका मतलब आंसर जो आएगा, आंसर आएगा बी ना कि सी। करा द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, बात जरा समझी जाए तो आप देखें कि जो रिएक्शन है, यहां NH2 ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन कर रहा है NaNO2HCl से। जब इसका रिएक्शन NaNO2HCl से होगा फर्स्ट, और सेकंड आपको लिखा है एक्वस NaOH, तो बात जरा समझे, NaNO2HCl इससे रिएक्शन करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और डाइजोनियम साइड सॉल्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, यहां फिनोक्साइड आयन जो बनेगा उससे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आंसर इस तरह का आंसर आना चाहिए। इसके हिसाब से आंसर बन रहा है सी। 26, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सरफेस प्रॉपर्टीज इज आर, देखिए ये आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। करेक्ट, क्लाउड इज एन इमल्शन टाइप ऑफ क्लाइड, पहले ही गलत हो गया। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इथेन एंड नाइट्रोजन आर 563 एंड दिस रेस्पेक्टिवली, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इथेन विल बी मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन ऑन द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एट अ गिवन टेम्परेचर। तो आप समझो, करा क्रिटिकल टेम्परेचर इथेन का दिया 563 और नाइट्रोजन का 126 केल्विन। एड्सॉर्प्शन का मतलब हुआ कि गैस को आपको एब्जॉर्ब करनी है, तो एब्जॉर्ब करने का क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा है वो इजिली एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब ये तो सही है, बी तो आंसर हो रहा है। अगर सारी कंडीशन सेम है
तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको एड्सॉर्ब होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। दूसरा है एड्सॉर्प्शन इज accompanied by डिक्रीज इन एंथैल्पी, ये तो सबको पता है, आपको पता ही होगा कि एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो कह रहा है एड्सॉर्प्शन accompanied by डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब बी और सी आंसर आया। डी ऑप्शन देखेंगे, ब्राउनियन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ, बिल्कुल डिपेंड करता है, इसका मतलब गड़बड़ है, तो आंसर बी और सी ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कंपाउंड पी एंड आर अपॉन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस क्यू एंड एस, यानी पी की जब हम ओजोनोलाइसिस कराते तो बोल बनता है क्यू, और क्यू का फॉर्मूला दिया C8H8O, एंड आर की जब ओजोनोलाइसिस कराते तो मिलता एस, और इसका भी फॉर्मूला C8H8O दिया है। कह रहा ऑप्शन सुटेबल कॉम्बिनेशन पी एंड क्यू और रिस्पेक्टिवली, तो बात जरा समझें, तो कह रहा पी और क्यू आपको निकालने में कि भैया आपको क्या निकालना है, पी एंड आर, तो बात जरा समझी जाए कि आप पी एंड आर क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए तो अपन क्या करेंगे कि भाई अपन जो आगे पढ़े क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यू एंड एस दिया, क्यू अंडरगोस कैनिजारो, ये क्या करता है, कैनिजारो रिएक्शन देता है, ये कैनिजारो देता है, कैनिजारो बट नॉट फ्रॉम हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये हैलोफॉर्म नहीं देता। इसकी अगर बात करें एस की, तो ये हैलोफॉर्म देता है बट कैनिजारो नहीं देता, ये अपने को इंफॉर्मेशन दिए। अगर अपन बात करें ऑप्शन देख के बात करें, अगर अपन बात करें कि ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में अपन देखें कि अपने को ए ऑप्शन में क्या दिया है, अपने को दिया है CH3, ये अगर इसकी ओजोनोलाइसिस करें क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा CH3CHO, जो कि कैनिजारो देगा हैलोफॉर्म नहीं देगा, इसका तो सही हो रहा है, ये तो P हुआ। अब अगर R की बात करें तो R में आप देखोगे CH3 डबल बॉन्ड CH2CH3, इसकी अगर हम ओजोनोलाइसिस करें तो अपने को मिलेगा CH3COCH3, लेकिन देखिए इसमें 9 कार्बन हो गए, कितने हो गए 9 कार्बन, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो C8 है, इसका मतलब A तो आंसर नहीं हो सकता। अगर अपन B की बात करें, B में देखें कि B में क्या है, पहला ऑप्शन तो यही है, तो अगर ये बात करेंगे तो ये कैनिजारो दे रहा है, तो B तो ये पहला तो सही है। दूसरा अपन और चेक कर लेते हैं, दूसरा जो ऑप्शन अपने को दिया है अगर इसकी ओजोनोलाइसिस कराएं तो अपने को कंपाउंड क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है और हैलोफॉर्म भी दे रहा है, तो ये इधर से कैनिजारो देगा ये हैलोफॉर्म देगा, इसका मतलब बी तो आंसर हो सकता है। अब अगर अपन सी की बात करें तो सी में आप देखो सी में क्या है, सी में अपने को क्या कंपाउंड दिया है, ये दिया है ये दिया है, अगर इसकी ओजोनोलाइसिस करें O3 वाटर जिंक तो मिलेगा अपने को ये कंपाउंड मिलेगा मेन, जिसकी अपन कहेंगे कैनिजारो देगा हैलोफॉर्म नहीं देगा। और इसका अगर अगला ऑप्शन देखें तो इसकी अगर हम ओजोनोलाइसिस करा दें तो यहां से ये देखिए ये हैलोफॉर्म देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है, कैनिजारो नहीं देगा, तो इसका मतलब सी भी आंसर हो सकता है। अगर अपन डी की बात करें तो डी में आप ध्यान से देखें
कि डी में पहला वाला तो कह नहीं जा रहा दे रहा है, लेकिन अगर दूसरे की बात करेंगे तो फिर इसमें आपको आप ऑक्सीडाइज करा के देखो जल्द 9 कार्बन मिलेंगे, जिससे डी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आंसर जो हुआ बी एंड सी, आंसर क्या हुआ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात जरा समझी जाए, अब ये कंपाउंड दिए हैं, तेरा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो SN2 मैकेनिज्म। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट एंड सेकंड SN2, क्यों SN2, SN1 भी देंगे, ये SN1 भी देगा बेंजाइलिक है, बट ये SN2 भी देंगे, दोनों 1 डिग्री एल्काइल रेड हैं, तो पहला तो सही है। कंपाउंड फोर्थ अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जैसे ये देखिए आप, ये काइरल सेंटर दिख रहा है, तो अगर ये काइरल सेंटर है तो इस, और ये देखिए कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो है SN1 रिएक्शन देगा। SN1 का मतलब हो गया कि रेसमाइजेशन होगा। अब रेसमाइजेशन का करने का मतलब क्या होता है, रेसमाइजेशन का मतलब रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंड फोर अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो अपन इसको सही मानेंगे, तो इसका मतलब आंसर बी भी हो जाएगा। सी की बात करें, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फर्स्ट सेकंड, क्योंकि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, अगर इसकी इसकी बात करें तो SN1 रिएक्शन है, तो रिएक्टिविटी जो कंपेयर करने को बोल रहा है, वो रिएक्टिविटी अपने को कंपेयर करने को बोल रहा है SN1 का, तो SN1 में सबसे ज्यादा स्टेबल ही होगा। रिएक्टिविटी अगर बात करें, रिएक्टिविटी SN1 की, तो सबसे ज्यादा होगा फोर्थ, फोर्थ के बाद होगा थर्ड, थर्ड के बाद होगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद होगा सेकंड, जो कि आंसर दिया फोर्थ फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इसको इंटरचेंज के, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करें डी की, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो SN1 रिएक्शन, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है इन अ बाई मोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर पी वॉज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड टू बी 4.5, यानी स्टेरिक फैक्टर पी का वैल्यू आपको 4.5 दिया, देखिएगा, और ए इक्वल टू होता है पी इंटू जेड, दिस स्टेरिक फैक्टर मतलब ओरिएंटेशन से आता है, दिस इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कह रहा है करेक्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोले ए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर का मतलब क्या होता है ए, करा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड बाई आरहेनियस इक्वेशन। बिकॉज देखिए हो क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो स्टेरिक फैक्टर है दैट इज 4.5, ये एक्सेप्शनली ज्यादा है, क्योंकि हम जनरली स्टेरिक फैक्टर 0 से 1 की बात करते हैं, तो अगर ये ज्यादा है तो जो ए का वैल्यू होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ए ऑप्शन लिखा है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन द प्रेडिक्टेड, ये सही हो गया, यानी ए आंसर तो बिल्कुल सही है। बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रेडिक्टेड बाय आरहेनियस इक्वेशन इज हायर देन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहला सही है। सी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनइफेक्टेड बाय द, भाई एक्टिवेशन एनर्जी अगर अपन बात करें कि जो K होता है K इक्वल टू पी इंटू जेड इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, तो इससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है कि ये क्या है, तो इसका मतलब अपना सी आंसर भी सही है, डी आंसर। सिंस पी का वैल्यू 4.5 है द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड अनलेस एन इफेक्टिव कैटालिस्ट, देखिए जब ओरिएंटेशन फैक्टर इतना ज्यादा है तो अपने कैटलिस्ट की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, तुरंत ही ओरिएंटेशन ज्यादा होकर रिएक्शन को फास्ट करा देंगे, इसका मतलब डी नहीं होगा। तो जो आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए एंड सी। करा फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ कंटेनर इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग सिस्टम, सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंट्रोपी इज डिस्क्राइब्ड बाय, देखिए विद इंक्रीज टेम्परेचर द वैल्यू के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है, बिकॉज एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के बढ़ता है, बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। बिकॉज देखिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यू का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी क्यू अपन क्या दे रहे हैं डेल्टा एच मान सकते हैं, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है,
और डेल एच सराउंडिंग जो होता है, दिस इज माइनस डेल एच सिस्टम बाई टी, तो डेल एच ग्रेटर देन जीरो है, तो यानी डेल एस सराउंडिंग जो होगा निगेटिव आ जाएगा। तो ए तो सही हो गया। देखिए बी की बात करें, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस, ये भी सही है, बिकॉज फेवरेबल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। क्योंकि अगर अपन बात करें कि डेल एस सराउंडिंग माइनस डेल एच सिस्टम बाई टी, और अगर देखिए बात जरा लैंग्वेज का फर्क है, कह रहा बिकॉज अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी डिक्रीजेस, यानी अपन जो बात कर रहे थे कि भाई एंट्रोपी क्या होनी चाहिए सिस्टम की, अगर ओवरऑल अगर रिएक्शन को बढ़ाना है तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बात जरा समझो, क्योंकि अगर अपन ये कहें कि डेल एच पॉजिटिव तो डेल एच सराउंडिंग क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, जब डेल एच सराउंडिंग निगेटिव हो रहा है तो डेल एच सिस्टम भी बढ़ रहा होगा। तो बी ऑप्शन में जो दिया है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिकेशन डिक्रीजेस बिकॉज फेवरेबल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस। फेवरेबल चेंज की अगर बात करें कि फेवरेबल चेंज में जैसे अपन ने कहा डेल एच सराउंडिंग क्या हो रहा है, डेल एच अगर डेल एच निगेटिव है तो डेल एच सराउंडिंग हो गया अपना पॉजिटिव, तो डेल एच सराउंडिंग यानी फेवरेबल में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। सी देखें तो आंसर इससे बी भी आ जाएगा, एक अनफेवरेबल है एक फेवरेबल है। सी, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वैल्यू के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस, ये ठीक है, बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। क्योंकि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, विद इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज डिक्रीजेस बिकॉज द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हो क्या रहा है, एक्सोथर्मिक का मतलब डेलेज क्या हो गया इसका, निगेटिव, डेलेज निगेटिव हो गया तो डेलेज सराउंडिंग यहां से आ जाएगा पॉजिटिव, और डेलेज सराउंडिंग अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब हुआ कि डेल एस सराउंडिंग पॉजिटिव है तो डेल एस सिस्टम क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। लेकिन उससे इक्विलिब्रियम सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन बात ये कर ही नहीं सकते कि अगर डेल एच, अगर मान लो डेल एच सिस्टम या सराउंडिंग का चेंज हो रहा है, जैसे सराउंडिंग का चेंज हो रहा है वैसे सिस्टम का चेंज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो केवल ए एंड बी होगा। पी आपको दिया है, देखिएगा जो पी दिया है ये अपने को दिया है, ये कह रहा है इसकी रिएक्शन CH3MgBr एक्सेस से कराई गई, CH3MgBr एक्सेस फर्स्ट सेकेंड वाटर। देखिए जब CH3MgBr एक्सेस कराएंगे तो सबसे पहले SNA रिएक्शन होगी, यहां CH3 आएगा, फिर कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन होगी, जिससे आंसर जो इसका आ जाएगा ये आएगा पहला, इससे बनेगा अपने को Q। ये क्या है भाई, Q, ये है P, ये है Q। इसका बाद अब बोल रहा है कि Q का रिएक्शन अपन H2SO4 से कराया, H2SO4 वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां से क्या होगा, यहां H प्लस अटैक करेगा, वाटर रिलीज करेगा, यहां पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक कर देगा, जिससे ये बन जाएगा अपना R,
Q से R, बिल्कुल क्यू से आर। अब आर में बोल रहा है कि जो आर बना, आर द रिएक्शन ऑफ आर विद सी एस थ्री सीओ सी एल, इसकी रिएक्शन किससे कराया, सी एस थ्री सीओ सी एल इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस ए एल सी एल थ्री। बात जरा समझे। अब इसमें क्या होगा कि अगर अपन देखें कि सी एस थ्री सीओ सी एल यहां ए एल सी एल थ्री सी एल माइनस हटेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे अटैक करेगा। तो अब आपको ये समझना है कि ये कहां पे अटैक करेगा। तो देखिए यहां पे अटैक नहीं कर सकता स्टेरिक कंडेंस की वजह से, तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पे अटैक करेगा और इससे आंसर आ जाएगा इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। ये आ गया अपना S, ये देखो ये है पूरी कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द रिएक्शन Q टू R, तो Q कहां है, Q यहां है और R यहां है। Q से R में सबसे पहले क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन, ये अटैक किया, ये बन गया। तो कह रहा है कि क्या है, तो Q से R के ऑप्शन देखिए, द रिएक्शन क्यू टू आर आर टू एस आर, तो क्यू कह रहा है क्यू टू आर एंड आर टू एस, आर टू एस अगर हम आर टू एस की बात करें, दिस अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पक्का है। इससे यहां पे जो अटैक हुआ था, इससे एल्काइलेशन, बट इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं कह सकते, इसलिए पहला आंसर है डिहाइड्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आंसर विल बी बी। द प्रोडक्ट एस इज, एस अपन निकाल ही चुके हैं, दिस इज एस, दिस इज एस, तो एस आप कंपेयर कर लो कि एस क्या होना है, इनमें से तो कोई है नहीं, एस इज, एस क्या है, एस ए सी, तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका आंसर है सी।